लोकसभा चुनाव के लिए तैयार नजर आ रही है, जहां बीजेपी के गांव चलो अभियान को लेकर अहम बैठक संपन्न हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी मंडल की बैठक गांव चलो अभियान को लेकर संपन्न हुई। भाजपा मीडिया प्रभारी अशोक गुप्ता ने बताया कि बैठक में प्रत्येक बूथ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को 24 घंटे बिताने के लिए क्या कुछ करना है, इसकी जानकारी दी गई। आज गांव चलो अभियान को लेकर सेगांव मंडल की कार्यशाला थी। चलो अभियान के अंतर्गत हमारे जो बूथ विस्तारक है वो गाँव गाँव जाएंगे, 24 घंटे बूथ पे रहेंगे और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को बताएंगे। और हमने जो हमारे सरकार ने जिन लोगों को लाभ पहुँचाया है उन लोगों से संपर्क करके और उनसे बातचीत करेंगे। और सरकार जो सरकार की योजनाओं से वंचित लोग हैं उनको सरकार की योजनाओं से जोड़ेंगे, इसको लेकर यह गांव चलो अभियान कार्यक्रम था। हाँ, प्रत्येक बूथ पे एक कार्यकर्ता जाएगा और वो 24 घंटे वहाँ रात्रि विश्राम करेगा और वहाँ पर हमारा जो संगठनात्मक काम है, जैसे बूथ की समिति है, बूथ के पन्ना प्रमुख है, वहाँ के जनप्रतिनिधि है, वहाँ के की वोटर्स जो प्रभावी लोग हैं उन सारे लोगों से हमारे विस्तारक जो जाएंगे वो मिलेंगे और बातचीत करेंगे उनसे। बैठक का संचालन मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल ने किया एवं आभार प्रदर्शन सूर्या पाटीदार ने माना। बैठक में सांसद प्रतिनिधि दयाराम पाटीदार, संतोष राठौर, मंडल महामंत्री अशोक प्रजापत मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सेगांव।